देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5 माइनस 3 4 5 6 प्लस 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए इसे हम किस तरह से सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले जो प्लस वाली जो वैल्यू है उसे हम ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5 प्लस 4 5 6 7। अब इनमें से हम माइनस कर लेते हैं 3 4 5 6। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। सो जो 8 1 4 6 माइनस 3 4 5 6। ठीक है, अब 8 1 4 6 में से 3 4 5 6 को माइनस कर लेते हैं। सो 4 6 9 0 जो है वो हमारा आंसर निकल के आता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है,